अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। और ज़ुबैर अंकल थोड़ी देर ऐसे ही खोल लो। और भाई तो हमारी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। एंड आई एम योर अपना भाई, अपना व्लॉगर, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई। एंड आई एम योर होस्ट कॉनन हैदर। एंड व्लॉगिंग मैंने छोड़ दी थी, है ना ज़ुबैर अंकल? ज़ुबैर अंकल को भी जब पता चला था कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, तो ही इज़ गेटिंग वेरी अपसेट। थोड़े से ज़ुबैर अंकल शॉक में आ गए थे, यस, है ना? तो ज़ुबैर अंकल थोड़े से शॉक में आ गए थे कि भाई एकदम 3 साल का कैरियर जो है मेरा व्लॉगिंग का, वो मैंने एकदम ही एक दिन में डिसीजन लेके ख़त्म कर दिया। भाई देखिए, व्लॉगिंग तो मैंने अभी छोड़ दी है, लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लूँ थोड़ी। एंड आज थोड़ा मुझे टाइम भी मिला, तो आज जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले माइक का जो वायर ही हटाते हैं। ये देखिए, मैंने ना ट्राउज़र पहना हुआ है एंड शूज़। तो इस जो मेरे जॉगिंग ये जो ट्रैक सूट है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हर बार की तरह कहाँ जा रहे? जिना ग्राउंड। ग्राउंड तो वही जिना ग्राउंड जा रहे हैं। एंड वहाँ पे क्या करेंगे, आजकल थोड़ी ज़्यादातर ना लेजीनेस फील हो रही है मुझे। लेजीनेस से मतलब आपको थकन फील होना, सुस्ती। यस, तो ज़ुबैर अंकल को समझाया, तो सुस्ती फील हो रही है, लेजीनेस फील हो रही है। तो लेजीनेस को भगाने के लिए हम करेंगे थोड़ी फिटनेस। तो भाई फिटनेस मतलब, अभी मैं इतना बड़ा तो हुआ नहीं हूँ कि मैं डंपल्स उठाऊँ, जिम में जाऊँ, तो क्योंकि मेरी हाइट भी रुक जाएगी। अरे मैं क्या करूँगा, क्या हो गया? तो ये हैंड ब्रेक में फुल माइक का वायर फंस गया था। अच्छा, मैं फिटनेस करूँगा, स्ट्रेचिंग करेंगे ये वाली, एंड जॉगिंग करेंगे। दी मेन पॉइंट इज़ जॉगिंग करेंगे। एंड जितनी वीडियो कैप्चर हो पाएगी वो मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे जिना ग्राउंड जो है आने वाला है, और वो सामने उस तरफ है। और भाई जिना ग्राउंड हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर जाके आपसे मिलते हैं। तो चलिए आपसे वहाँ पर जाके जिना ग्राउंड जाके आपसे मिलते हैं। तो फाइनली वी आर हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ज़ुबैर अंकल बहुत टाइम बाद आए हम लोग जिना ग्राउंड। हाँ ना, बहुत टाइम बाद आए। अच्छा, गाड़ी तो हम चलाएंगे नहीं आज, क्योंकि वो जो वीडियो मेरी जो वीडियो डली थी ना, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने नोट किया होगा कि मेरी जो गाड़ी चलाने वाली वीडियो है वो मैंने डिलीट कर दी थी। क्योंकि ना यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि ना मतलब 18 साल के अंदर जो गाड़ी चलाते हैं ना, उसकी वीडियो से उसके पैसे नहीं मिलते। तो मतलब सारी वीडियो से पैसे मेरे बन रहे थे, लेकिन फ़िलहाल बन नहीं रहे थे क्योंकि मोनेटाइजेशन नहीं हुई। तो भाई मेरी सारी वीडियो से ना अर्निंग हो रही थी, लेकिन उससे नहीं हो रही थी क्योंकि उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। तो अब मैं गाड़ी तो फिलहाल नहीं चलाऊंगा। और यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, और मतलब सनी वेदर हो रहा है, इट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। एंड अब जो हमारा मेन प्लान है वो कर लेते हैं, जॉगिंग वॉगिंग एंड थोड़ी स्ट्रेचिंग। ज़ुबैर अंकल वीडियो बनाएंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। अब थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं ना। तो
सांस फूल जाती है बहुत, थोड़ी सांस लेके पानी पीना चाहिए, फौरन नहीं पीना चाहिए, है ना अंकल? हाँ। कुछ ज्यादा ही सांस आ रही है। एकदम वॉक कर ली। असल में आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मेरी पवेलियन एंड क्लब में मेंबरशिप है, लेकिन वहाँ पे मैं ज्यादातर स्पोर्ट्स में एक्सबॉक्स खेल लेता हूँ, PS4 खेल लेता हूँ। वो तो खैर मैंने अपने घर में भी बाय कर लिया है, एंड ज्यादातर मैं वही करता हूँ, मतलब टेबल टेनिस एंड ये वो वगैरह। लेकिन अब जो है मैं वहाँ पे ना वॉक नहीं करता, जॉगिंग वगैरह। तो सामने एक आंटी भी गाड़ी चला रही है, मतलब शुरू कर रही है, और मतलब वॉक नहीं करता। तो अभी वॉक इतने टाइम बाद किए ना कि सांस खतरनाक फूल रही है, देखते हैं क्या होता है। एंड कुछ लोग मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो भाई मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, अभी मैं अप्रैल में 17 अप्रैल को 13 साल का हूँगा, तो 2008 की पैदाइश है। तो अंकल आप कितने साल के हैं अभी? इधर 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 अंकल इधर आए ना धूप में। हाँ आप कितने साल के? 25 साल के। थोड़ा तेज बोलो। 25 साल के। अच्छा पैदाइश कब की आपकी? 1994। जरा उर्दू में बोलिए, हमें उर्दू नहीं आती, इंग्लिश आती। अच्छा तो मतलब 25 साल के हिसाब से अगर हम लगाएं, 25 साल के हिसाब से तो अभी 2021 चल रहा है, 21 और भाई ये हो गया दोबारा अंकल का 1996 इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो भाई दोबारा अंकल 1996 में हुए एंड मैं 2008 में हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क है हमारी एज। अच्छा तो वही थोड़ा व्लॉग फन वाला बना लेते हैं, एंड अभी मैं फिलहाल मोबाइल से व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कैमरा है ऑस्मोस को मैंने सेल पे लगाया हुआ है, OLX पे डाला हुआ है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता दिएगा। और सॉरी, तो अगर किसी को कैमरा चाहिए ऑस्मो पॉकेट जो कि एक 4K कैमरा है, तो उसके साथ उसकी एक्सपेंशन किट भी दे रहा हूँ, तो जिसको उसकी डिटेल्स मालूम करनी मतलब चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे से बात कर ले, मैं उसको कैमरा फिर भेज दूंगा, क्योंकि मैंने OLX में भी डाला हुआ है, क्योंकि आप ब्लॉगिंग तो छोड़ दिए, कैमरा भी बेचना पड़ेगा, ड्रोन भी अभी देखेंगे बेचना है कि नहीं, क्योंकि ड्रोन भी मैंने 3-4 महीने हो गए नहीं निकाला। एंड बस यही सब सीन्स चल रहे हैं, अगर किसी को कैमरा चाहिए तो बता दीजिए। अभी फिलहाल मैं मोबाइल से ब्लॉग बना रहा हूँ, और मैंने मोबाइल भी चेंज किया है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये है सैमसंग गैलेक्सी C5, और ये है मेरी ट्राईपॉड, और यहाँ पे मेरी जेब में ना माइक का वायर भी है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं माइक से नहीं बना रहा, माइक लगाना भूल गया हूँ, और ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दिया है। कितना बड़ा हो गया है ज़रा देख लो भाई, देखे 5 मिनट का ब्लॉग हो गया, 5 मिनट का। एक मिनट एक चीज़ कर लेते, मैं आपका इस कैमरे को लेके, तो अंकल सही आ रहा हूँ? अच्छा कैमरे को लेके मैं वॉक करता हूँ, सही है? सही है, भागने वाली करूँ या फिर चलने वाली? चलने वाली, भागने वाली नहीं करूँ, क्यों? चलो एक बार चलने वाली करता हूँ, एक बार भागने वाली। तो भाई राइट नाउ आई एम वॉकिंग, ये जो जिना ग्राउंड है इसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि ये यहाँ पे मेरे घर के बहुत पास है, कायदे आज़म के ग्राउंड के, कायदे आज़म का ग्राउंड बोलो, जिना ग्राउंड जो है वो कहलाता है, ये कायदे आज़म के मज़ार के बिल्कुल सामने की साइड है ये। एंड अब मैं करूँगा जॉगिंग भागने वाली, चलिए। अगर ये मेरा ब्लॉगिंग का सामान, आप बताइए जुबैर अंकल, मेरा जो ब्लॉगिंग करता था ना मैं,
उसमें कितने का सामान लगा होगा टोटल? सामान तो बहुत लगा, मेरे मोबाइल के भी पैसे मिला के अंदाजन कितने पैसे? अंदाजन 1.5-2 लाख। 2 लाख। तो भाई आजकल जिन लोगों को पता है कि मैं कर रहा हूँ गेमिंग, गेम का चैनल चला रहा हूँ, गेमिंग में जो मेरा खर्चा आया है वो है 2 लाख का, टोटल 2 लाख, क्योंकि उसमें मैंने स्टेरिंग व्हील भी लिया है लॉजिटेक G29 का, उसमें मैंने PS4 प्रो लिया है जो कि सबसे ऊपर का PS4 है, और भी PS5 लेना जब वो 120 पे आ जाए और 120 लाख पे, और टोटल मेरा जो गेमिंग चेयर टेबल स्टेयरिंग व्हील LED PC सेटअप नहीं है, PS4 का सेटअप है, तो PC झंझटों में हम पढ़ते नहीं हैं। तो हमने जो सेटअप लिया गेमिंग का 2 लाख का है, व्लॉगिंग का मैं आपको बताऊँ, व्लॉगिंग का मेरा सेटअप है 4.5-5 लाख का, ड्रोन कैमरा मोबाइल ट्राईपॉड्स एंड माइक्स एंड सम अदर थिंग्स, ये सब टोटल मिला के 4.5-5 लाख का सामान, सही है अंकल समझ आए? तो भाई व्लॉग को आज हम यही ख़त्म कर रहे हैं, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे, अगर आप लोग, मैं देखता हूँ कि अगर लाइक्स आते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वापस ब्लॉगिंग शुरू करूँ, तो भाई अंकल इस वीडियो पे ना 50 के अंदर अंदर कोई लाइक्स बता दो जो आने चाहिए, कि कितने लाइक्स हैं 50 के अंदर ही आने चाहिए, नहीं तो कितने आने चाहिए, 20, 30, 40, 45 तो भाई 40-45 तो सुबह अंकल ने बोला मैक्सिमम, बल्कि मिनिमम आने चाहिए, अगर 40-45 तक लाइक आते हैं मतलब 40-45 तो मैं वापस से व्लॉग शुरू कर दूंगा। तो ये शुरू तो नहीं मतलब डालना, ऐसे ही अपलोड करना शुरू कर देंगे, वो देखा जाएगा बाद में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। चल बैठ।